चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी शनि महाराज मंदिर पहुंचकर शनि देव के दर्शन किए, भगवान शनि देव का आशीर्वाद लिया और क्षेत्र में अमन चैन खुशहाली की कामना की। साथ ही मंदिर कमेटी के अध्यक्ष छगन लाल गुर्जर, सचिव कालू सिंह से मिले, वहीं मेले के बारे में जानकारी ली तथा क्षेत्र में बिजली कटौती के बारे में सांसद ने मामले से जानकारी ली और कहा कि अगर राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आने वाले के समय के अंदर जनता को सड़कों पर उतरना एवं धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। यह बात सांसद सीपी जोशी ने कही। पूरे राजस्थान में अभी विद्यार्थियों को एग्जाम का टाइम है, बिजली समय पर नहीं मिल रही, किसानों को बिजली समय पर नहीं मिल रही, शादी ब्याह का समय है, लोगों को अंधेरे में अपने मुहूर्त और रस्में पूरी करनी पड़ रही है। मेरी राजस्थान सरकार से मांगे कि पिछले 3 वर्षों में जिस प्रकार की दयनीय स्थिति बिजली विभाग की हुई है और अपने मिसमैनेजमेंट के कारण पिछले 1 महीने से बिजली के कारण आम आदमी त्रस्त है, मेरी सरकार से मांग है कि इस व्यवस्था को सुधारें, नहीं तो जनता अगर सड़कों पर आएगी तो उसको संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि इस समय, इस गर्मी के समय बिजली नहीं होना आम आदमी के लिए जीना दूभर हो रहा है, इसलिए सरकार इस ओर चिंता करे और बिजली की व्यवस्था। चोरियों का भी एक आतंक काफ़ी बढ़ चुका है। देखिए, इसके कई इफेक्ट हैं, साइड इफेक्ट हैं। बिजली बंद होगी तो चोरों को भी हौसला अफजाई होगा और भी कई चीज़ें होंगी, क्राइम होगा, इसलिए बिजली निर्बाध रूप से मिले इसकी व्यवस्था करनी चाहिए।